Hi guys, welcome to Kryptonics Gaming and we are back with another amazing video. इस वीडियो में हम लोग एक पीसी को अनबॉक्स करेंगे, वही सेम पीसी जो हमने वेनम टेक को दिया था। फिर इतनी पैकिंग अंदर यार, इतना चैलेंजिंग लगा था उस पीसी को अनबॉक्स करना। भैया जी थोड़ी हेल्प कर दो। हमेशा यार हम भी एक सेम ही चैनल लेते हैं और उसको अनबॉक्स करते हैं। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जा गुज्जो में कि हमारा सेम पीसी कितना ही मुश्किल होगा उसको अनबॉक्स करना। बड़ा मुश्किल होता है भाई बंदों को खोलना, फिर इसका मतलब साहब अलग ही कोशिश। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इस वीडियो में देखने वाली है कि अनबॉक्स करने के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, कि आपको पूरा पीसी सेटअप कैसे एग्जैक्टली कैसे सेटअप करना है वो हम पूरा बताएंगे। तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो, आइए देखते हैं। So guys, before I start, the first and the foremost and the most important step that you need to do is make a video of the unboxing. When you are unboxing the PC, uski zarur kisi kahin rakh ke phone ya apne kisi friend ya brother ko bol ke usko dekh ke kisi ko bhi bol ke aapko video zarur banani hai, because our PCs are insured and insurance claim karne ke liye hame wo video chahiye hoti hai. So that is very 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 important. I cannot even stress कितना important है वो। अगर वो नहीं करोगे insurance हमारी नहीं आ पाएगी। So please 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 do make a unboxing video। जब तक आपका PC on नहीं होता video को on करके रखो, ताकि हम make sure कर सके यार, हम दिखा सकें to the insurance कि भाई ये problem भी आई है। So do remember that। Now guys, let's start to unbox the PC। Round 1। Let's try to unbox किसी आपके bed पे या कोई एक soft surface पे, ताकि अगर आपका गलती से wrong side अगर आपका PC खुल जाए तो आपका टूटे ना पीसी, राइट? एकदम से शीशा कहीं आपका लग जाए कहीं पे, तो ट्राई करो किसी बेड पे या कहीं पे, एंड थोड़ा सेफली, बिकॉज दीज कटर्स स्पेशली आर किड्स जो होते हैं, गाइस प्लीज अपने किसी पेरेंटल गाइडेंस में ही करना, ऐसे मत करना, बिकॉज दीज आर शार्प मटेरियल एंड पैकेजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। आपको टाइम लग सकता है कम से कम हाफ एन आवर टू अनबॉक्स द पीसी, बिकॉज हमारी पैकेजिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है। गाइज आपको ये भी एक साइन आएगा फ्रंट साइड, उस ऊपर की साइड हमेशा करके देखना, ये हम सिग्नल भी डालते हैं कि ये ऊपर वाली साइड है, तो ये हमेशा यहीं से खोलना, यहाँ पे एरो मिलेगा। पहले पीसी के जो बॉक्स है ना उसको एंगल से भी एजेस उसकी कवर करते हैं, टू मेक श्योर कि अगर ये कहीं पे गिरता गिरता भी है तो इसकी एजेस और ये सब ब्रेक ना हो, तो ताकि आपका पीसी अंदर सेफ रहे। Stop it. क्या बीपी है भाई? Get some help. क्या सिस्टम है भाई ये? रंजीत देख रहा है मेरी सारी मेहनत जा रही है। You'll get a thank you card from us. आपके invoice होगा, आपका physical, सारे manuals, सारे warranty card, सब कुछ इसके अंदर एक packet मिलेगा आपको, उसके अंदर होंगे। You'll get smaller boxes of SSD and RAM as well. Side से कुछ और छोटे boxes होंगे, पहले ही निकाल लेना, ताकि आप make sure करना इनको खोलना, because आपके लिए आगे जाके जरूरी हो सकते हैं। खींच सकते हो थोड़ा सा, बहुत difficult रहेगा खींचना, और उल्टा करो, हाथ नीचे रख लेना टू सपोर्ट, एंड अपना पीसी खींच लो, बॉक्स खींच लो। नाउ सेकेंड लेयर इज ऑफ, अब हम पीसी देख सकते हैं अपना, थोड़ा सा अभी भी पैक्ड है। पहले ये निकालना है, आपको दिख जाएगा ये बैक साइड है पीसी का, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आपको टेबल पे रख के थर्मोकोल थोड़ा सा आराम से काटना ये बबल रैप, बिकॉज इसके नीचे आपका डायरेक्टली पीसी है, एंड मेक श्योर अपने पीसी पे कट ना मार दो। Finally, it's time for the reveal. This is our PC. जैसे आपको रिसीव होगा, सब परफेक्ट है इसके अंदर। जब आप वीडियो बनाओ, जब आपको पीसी दिख जाए, सारे एजेस की एक बार वीडियो बना लेना, टू मेक श्योर कहीं पे कोई डेंट नहीं है, कहीं टूटा नहीं हुआ कुछ, सब कुछ एक बार चेक कर लेना पीछे से आगे से। सो गाइस हमारा पीसी तो खुल गया है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप, कि जैसे हमने जो पीसी के अंदर के सामान का प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई हुई है उसको कैसे उतारना है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको अपना टेम्पर्ड ग्लास निकालना पड़ेगा। टेम्पर्ड ग्लास निकालने से पहले इधर आपको अगर समझ आ जाए कैसे निकालना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है हमें उसी टाइम कॉल करना कि इसका टेम्पर्ड ग्लास कैसे निकलेगा, बिकॉज हर एक केस का टेम्पर्ड ग्लास डिफरेंट तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके ये तो निकाल दिए, इसका बहुत बहुत ईजी है, इसका बस स्लाइड करके हल्का सा ऐसे निकल जाता है, यू कैन जस्ट कीप इट सेपरेट।
सेपरेटली, उसके स्क्रूज संभाल के रखना बिकॉज यू हैव टू अटैच इट अगेन। हम पीसी के अंदर एक फोम के लिए अटैच करते हैं जो एक केमिकल मटेरियल से बनी होती है टू मेक श्योर कि अंदर का जो कॉम्पोनेंट्स है बिल्कुल भी ना हिले, एंड ये उन्हीं का शेप ले लेता है, जैसे जैसे हमारे कॉम्पोनेंट्स है उनका शेप ले लेता है और वैसे ही फिक्स हो जाता है टू मेक श्योर कि यार ये बिल्कुल भी ना फिसले अंदर के कॉम्पोनेंट्स। कोई भी अगर बंप भी आता है तब भी इसके जो ग्राफिक कार्ड एंड जो कूलर है बिल्कुल हिले ना। देखोगे आप बिल्कुल एग्जैक्टली इंटैक्ट है एंड देर इज नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। आप ये देखो उनकी तरीके से इसने शेप ले लिया है कि ऐसे शेप में ये लोग सारे कुछ ये सारे कॉम्पोनेंट्स और वैसे ही उनको प्रोटेक्ट करता है। हैवियर ग्राफिक कार्ड में एंड मोस्ट ऑफ द ग्राफिक कार्ड में हम लोग ग्राफिक कार्ड के नीचे भी एक लेयर वो चढ़ाते हैं, तो डू रिमेम्बर कि उसको निकालना है आपने क्योंकि वो एक ग्राफिक कार्ड सपोर्ट होता है, क्योंकि बंप लगे तो ग्राफिक कार्ड का वो स्लॉट टूटा जाए, इसलिए हम उसका वो भी करते हैं। हैवियर ग्राफिक कार्ड 4080 या 4090 हम लोग कई बार अलग से भी देते हैं जिनको आता है लगाना। तो गाइस जैसे कि आपने देखा आप पूरा पीसी अनबॉक्स हो चुका है एंड प्लीज प्लीज यहां तक की वीडियो जरूर एंड जरूर बनाना, सारे डेंट्स चेक कर लेना एंड सारे एक बार बायस एक बार चेक कर लेना कि एवरीथिंग इज प्लेस एज इट इज, एंड मेक श्योर यू पुट दिस टेम्पर्ड ग्लास बैक ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही निकाला था वैसे ही लगाना भी है। जब आप लगा लोगे टेम्पर ग्लास जस्ट मेक श्योर एक बार ऐसे करके कि टेम्पर ग्लास गिर नहीं रहा है ना आपका प्रॉपरली इंटैक्ट है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पीसी आपका अनबॉक्स हो गया, इसको सेटअप कैसे करना है, जो आपका पावर कॉर्ड है आपके या तो पीसी के बॉक्स में आएगा या आपके पावर सप्लाई के बॉक्स में, ऐसे करके एक पावर कॉर्ड मिलेगी बंडल एंड दिस इज अ 15 एम्पियर प्लग। अगर आपको आपको इलेक्ट्रिशियन से या तो 15 एम्पियर का प्लग लेना पड़ेगा या आपको एक सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड अलग से बनवाना पड़ेगा जिसमें 15 एम्पियर का प्लग लगे, एंड अगर आप यूपीएस यूज कर रहे हो तो स्पेशली गो फॉर अ एक्सटेंशन बोर्ड ओनली इस एरिया में जो है जहां पे ग्रीन बटन होगा वहां पे पावर केबल का सॉकेट भी यही है और वो यहीं जाएगा। इसको ट्राई करना, पहले ऑफ करो, जीरो इज ऑफ, उसके बाद इसको लगाओ एंड देन स्विच इट ऑन। नाउ द नेक्स्ट केबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल जो आपको आपको लगानी होगी इज द मॉनिटर केबल इन योर पीसी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि उनको मॉनिटर केबल HDMI जो है या तो मदरबोर्ड में लगानी है या कहां पे लगानी है। यार गाइस देखो, जब भी आप मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड अटैच करते हो ना आपके मदरबोर्ड में जो डिस्प्ले होता है वो डिसेबल हो जाता है, तो आपको हमेशा अपनी मॉनिटर की HDMI आपके ग्राफिक कार्ड में ही लगानी है। ग्राफिक कार्ड में आपको ऐसे चार स्लॉट्स मिलेंगे जहां पे हमने तीन या चार कवर करके रखे होते हैं टू मेक श्योर में डर्ट ना जाए, उसमें से HDMI का स्लॉट देखना आपको उसके अंदर लगानी है तभी आपका डिस्प्ले आएगा। अगर आप मदरबोर्ड में लगा दोगे इस पोर्ट में HDMI आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, आएगा भी तो काफी ब्रेक होके आएगा और वो बोर्ड फ्लिकर करेगा। नेक्स्ट हमारे जो दो चीजें हैं हमारे कीबोर्ड एंड माउस वो तो USB एंड एवरीबॉडी नोस की USB पोर्ट्स में ही जाएगा पीछे। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग है इन स्पेशली द गाइस हु हैव बॉट अ वाईफाई मदरबोर्ड आर द वाईफाई एंटीनास, ये आपको या तो मदरबोर्ड के बॉक्स में मिल जाएंगे या आपके पीसी के केस के हम बॉक्स में हमने दिया होगा या जहां पे आपको पावर सप्लाई मिलेगी वहां दिया होगा। ऐसे दो एंटीनास होंगे, इन दोनों एंटीनास में लगाना है सेम, एंड जब आप ऐसे लगा रहे हो आपको इनको स्क्रू इन भी करना है, ये तभी अटैच होते हैं, नहीं तो अगर आप इनको ऐसे लगा दोगे जस्ट आपको लगा के छोड़ दोगे ये तो ये गिर जाते हैं, ऐसे लगेंगे नहीं प्रॉपरली, ये ऐसे लूज रहेगा। तो मेक श्योर जब आप इसको लगा रहे हो एंटीना को यू हैव टू स्क्रू इट इन एज वेल, ताकि आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ का स्पीड काफी अच्छा है जैसा इट्स सपोज टू कम। आप ये जरूर एंड जरूर लगाओ नहीं तो आपका वाईफाई का स्पीड नहीं आएगा बिल्कुल। अब आपकी सारी चीजें लग चुकी है, नाउ लेट्स बूट अप द पीसी। इसका स्विच ऑन रख करना है यहाँ से एंड यहाँ से इसको ऑन कर देना, ट्राई करना यहाँ तक की वीडियो आप जरूर बनाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर यू एज वेल, आपकी सिक्योरिटी है उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसका बोलो। डिस्प्ले आ गया, PC इज वर्किंग फाइन, परफेक्ट है, there is no issues with the PC, there is no issues. So this is how you set up your PC at your home by yourself. Baki agar aapko koi bhi issue hota hai while setting up ya unboxing ke time just give us a call jab aapko PC mile, and please please lastly make sure that you make a video out of the complete unboxing. Thank you and have a good one.